मैनपुरी के जिला कारागर के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ है। लोगों को आसपास आने से रोका जा रहा है। दरअसल जेल में एक विचाराधीन कैदी की अचानक मौत हो गई, जिससे जेल प्रशासन के बीच अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। बता दें कि युवक नगला धर्म गांव का रहने वाला है, जिसे पुलिस ने 15 दिन पहले NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। युवक रिंकू से जेल में परिजन मिलने आए थे, लेकिन परिजन को यह अंदाजा नहीं था कि ये उसकी आखिरी मुलाकात है। परिजनों के जाने के बाद युवक अपने बैरक में चला गया, जिसके बाद उसके सीने में दर्द होने लगा। रिंकू को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसने दम तोड़ दिया। वो बंदे से आज परिजन आए थे, वो मुलाकात करके गया और उसको सीने में दर्द की शिकायत थी और वो हॉस्पिटल में दवा ले रहा था और संभवतः उसको हार्ट अटैक तो हुआ है और उन्हें उपचार के दौरान ही उसकी। सर बताया जा रहा कोई लड़ाई वगैरह कैदियों में हुई? नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, कोई विवाद नहीं हुआ, कोई वैसी कोई बात नहीं। सर क्या नाम है? नगला धर्म का थाना करहल का रहने वाला। क्या नाम है कैदी का? कैदी का नाम रिंकू सनाफ कप्तान सिंह है। एज क्या रही है सर? एज 40 साल। सर कितने दिनों से बंदी था ये? वो अभी 10 दिन हुआ है, 31-8 को आया था। किस उसमें किस NDPS के वो आदमी आया था कारागर में और उनके घर वालों का इंतजार किया था, आ जाए तो फिर आगे कार्रवाई। वहीं बंदी की मौत की जानकारी अन्य कैदियों को हुई तो उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। वे लोग जेल प्रशासन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाने लगे। आशंका जताई जा रही है कि कैदी की मौत हार्ट अटैक से हुई। फिलहाल आक्रोशित कैदियों को आश्वासन दिया गया है कि शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। यदि किसी प्रकार की लापरवाही सामने आती है तो कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नवदीप टुडे। खबरों की डोज नवदीप टुडे पर हर रोज़।